स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन इवेंट में स्वप्निल ने ये मेडल अपने नाम किया, जिसे मैराथन ऑफ शूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये पेरिस ओलंपिक में भारत का तीसरा मेडल है और तीनों ही मेडल शूटिंग में जीते गए हैं। भारत के लिए गर्व की बात है कि उसके शूटर ओलंपिक में लगातार उत्तम प्रदर्शन कर रहे हैं। मनु भास्कर, सरबजोत सिंह और अब स्वप्निल कुसाले ने दिखा दिया कि भारतीय शूटिंग प्रतिभाएं कितनी आगे निकल चुकी हैं। ये सफलता भविष्य के लिए नई उम्मीदों और संभावनाओं के लिए है। स्वप्निल कुसाले से पहले मनु भास्कर और सरबजोत सिंह ने भी पेरिस गेम्स में ब्रोंज मेडल जीते थे। ओलंपिक इतिहास में स्वप्निल कुसाले मेडल जीतने वाले सातवें भारतीय शूटर बन गए। मनु भास्कर ओलंपिक में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई। इस ओलंपिक में भारत का ये पहला पदक है। 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मेडल के लिए 8 महिलाएं शूटर मैदान में थीं। मनु भास्कर ने तीसरा स्थान हासिल कर पदक अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक 2024 के छठे दिन भारत को स्वप्निल कुसाले के रूप में तीसरा मेडल प्राप्त हुआ। स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन में 451.4 पॉइंट के साथ ब्रोंज मेडल जीता। ये इवेंट काफ़ी कठिन माना जाता है और इसे मैराथन ऑफ शूटिंग भी कहा जाता है। फाइनल में स्वप्निल ने धैर्य और साहस की उत्तम प्रदर्शन किया। एक समय में छठे स्थान पर खिसक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगे। महाराष्ट्र के शूटर के दबाव में भी अपने खेल को ऊपर लाया गया है और ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। फाइनल में एक समय ऐसा भी था जब वो छठे नंबर पे थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ा लिया और अंत में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। हालांकि वो सिल्वर या गोल्ड मेडल जीतने में चूक गए, लेकिन उनके प्रयासों ने देश का मान बढ़ा दिया है। ये मेडल न केवल स्वप्निल की मेहनत और समर्पण का परिणाम है, बल्कि उन सभी को प्रेरणा देने वाला है जो अपने सपनों को साकार करने में कड़ी मेहनत करते हैं। स्वप्निल कुसाले की इस जीत से भारत में शूटिंग के खेल को नया प्रोत्साहन मिलेगा। उनके साहस और धैर्य ने ये साबित कर दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की जा सकती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की शानदार उपलब्धि को सभी भारतीयों को गर्व से भर देना चाहिए। अब उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी इस प्रेरणा को आगे भी बनाए रखेंगे और देश के नाम और भी मेडल्स आएंगे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।